ये इनकी वजह से हो रहा है। मेरे पापा जब यहाँ पे सर्जरी के लिए आए वो बिल्कुल ठीक थे, तब वो चल के आए, बस खाली हार्ट का इशू था उनको और कुछ नहीं था। फिर जब यहाँ पे इन्होंने सर्जरी करी उनको मल्टीपल इशू आ रहे, जबकि अगर कोई भी आप समझिए कि सर्जरी के लिए जाकर जब डॉक्टर्स ऐसे ही करेंगे तो उनको मल्टीपल ऑर्गन्स की डैमेज होगी या बाकी कुछ होगा, तो मेरे हिसाब से तो कोई सर्जरी करेगा नहीं। ये बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, हाँ अल्लाह, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मगर अगर डॉक्टर किसी को बताएगा मैं आपका हार्ट की सर्जरी करूंगी आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी, मगर ये कोई नहीं मानेगा। तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और हम इस वक्त मौजूद हैं पारस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि इन्होंने अपने पेशेंट को यहाँ पर लाया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ सीधे आपको इनके पास ले चलते हैं, आप बताइए क्या मसला है। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम जहूर अहमद है, हम श्रीनगर का फतेह कदल से हैं। हमारे अंकल का होस्ट रमज़ान को अटैक आया हुआ था और हम उनको शरीन बाग ले गए, वहाँ उन्होंने बोला इनको ब्लॉक है 3 वेन में, और उनको उनके बाद उन्होंने रिकमेंड किया हमें सिकमस, हमने वहाँ जब जाने के बजाय पारस आना बेहतर समझा, और हमने डॉक्टर असरार साहब से इधर बात की, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, हम ये ऐसा कर ऐसे कैसेस हो रहे हैं इधर सक्सेसफुली हो जाएगा। उन्होंने एस्टिमेट भी बताया था तकरीबन हमें पहले 3 लाख तक का बाईपास का, और अगर फिर उन्होंने बताया ज्यूरिंग सर्जरी उन्होंने बताया कि नहीं इनका वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें तकरीबन 5 लाख लग जाएंगे। हमने बोला कोई मसला नहीं आप कीजिए, इनके मुताबिक सर्जरी हमारे मुताबिक तकरीबन हमने भी देखा सर्जरी सक्सेसफुल हुई मगर हार्ट की, उसके बाद मल्टीपल इश्यूज़ मल्टीपल ऑर्गन्स के इश्यूज़ आने लगे, पहले किडनीज़ का, फिर लंग्स का, फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। हमारे जो खैरखा थे डॉक्टर्स वगैरह जो इस पेशे से रिलेटेड हैं उन्होंने हमें इधर रिकमेंड किया इनको आप बताएं इनको सिटी अपडोमन करवाए, क्योंकि इनका हो सकता है कुछ इशू होगा एबडामस में। इन्होंने एक जो उसने कभी किया ही नहीं हुआ था, इन्होंने हमें डायलिसिस करवाई उनकी वेंटिलेटर पर ही, उनको तकरीबन आज उन्हें 18 दिन हो गए वेंटिलेटर पर, और उनकी डायलिसिस हो गई 3 मरतबा अभी तक वेंटिलेटर पर ही, जबकि उनका कोई किडनी का इशू था ही नहीं। हमने इनको बार बार कहा कि हम ये आप हमारे वो टेस्ट वगैरह इनको देखिए जो आपने भी किया और हमने बाहर से भी करवाए, इनका KFT बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल आ रहा था, ये बोल रहे नहीं KFT हो यह असल में नॉर्मल नहीं होता जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर वाले करते हैं। इट मीन्स ये सारे कश्मीर के आउटसाइड के भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी उंगलियाँ उठा रहे हैं, तो तकरीबन फिर जो हम सभी इस KFT से रिलेटेड है, अगर कोई हम भी करवाते हैं कभी कभार जो हमें नॉर्मल आता है तकरीबन, फिर तो हम नॉर्मल है ही नहीं। अब इनका जो एस्टिमेट था वो था पहले इश्यूज होने लगे एब्डोमिनल इशू भी हो गए, हमारे एक डॉक्टर साहिबान हमारे दोस्त हैं उन्होंने 10 दिन पहले बताया इनको कि आप इनको सिटी एब्डोमिन करवाइए, उसके बाद इनकी हो सकता है सर्जरी भी होगी, वही मत कुछ इशू होगा। और कुछ ने ऐसा भी कहा कि ड्यूरिंग सर्जरी ड्यू टू नेगलेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड देयर टीम्स मे बी ब्लड ब्लॉक हो गया होगा, इसकी वजह से बाकी ऑर्गन तकरीबन बैठ गए क्योंकि 8 घंटे की सर्जरी थी। फिर से हमने बारह बात की, ये बोल रहे दो दिन लगेंगे तीन दिन लगेंगे हमारे साथ उनकी ये 2 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन हो जाते 2 दिन के बाद फिर वो बोलते थे अब 3 दिन लगेंगे आप हमारे साथ तआमुन कीजिए, हमने जो था चलो ठीक है ये बोल रहे हैं, और 2 दिन के बाद हम पेशेंट भी कोई रिकवरी नहीं नजर आ रही थी हमें। आज इन्होंने अभी रिसेंटली तकरीबन एक दो घंटे पहले इनकी सिटी अपडामन करवाया, अब बोल रहे हैं हम उनको OT में ले जाएंगे, और हमें मैनेजमेंट से फ़ोन आ रहा है इस वक्त, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है हम वो भी दिखा सकते हैं, और उसके और भी कुछ हमारे पास मटीरियल है इनके खिलाफ, ये बोल रहे हैं हम OT की इजाज़त अब नहीं देंगे क्योंकि आपका बिल 15 लाख बन गया है, जबकि हमने ऑलरेडी पे किया है 6.5 लाख, हम कहाँ मिडिल क्लास आदमी हैं हम कहाँ से लाएंगे, ये इनकी वजह से हुआ है, जो कुछ भी हुआ इनकी वजह से हुआ है। अब बाकी अब सर्जरी होती है ना किसी भी पेशेंट की, चाहे कोई भी सर्जरी हो, वो हार्ट की सर्जरी हो, किडनीज की हो, लंग्स की हो, या कहीं किसी कोई भी सर्जरी हो, पहले टेस्ट किए जाते हैं, हर एक टेस्ट किया जाता है उसके बाद सर्जरी की जाती है। इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि यहाँ पे आए ना, इन्होंने इसको सारे टेस्ट किया, अगर टेस्ट कोई टेस्ट खराब होता तो ये थोड़ी सर्जरी करते,
टेस्ट सारे ठीक थे इसके, हमने वहाँ टेस्ट कराए, क्या नाम है इसका, शरीन बाग में टेस्ट कराए, वो सारे ठीक थे। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किए वो भी ठीक थे, और बाद में क्या हुआ ये हमें कभी बोलते थे दो दिन लगेंगे, हमें से कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम बोले ठीक है तीन दिन लगेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करो ठीक है। अब कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम? आज हमारे पेशेंट को 19 बार दिन है आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, आईसीयू वेंटिलेटर, कंडीशन उनकी, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है, कंडीशन बिल्कुल, मुझे लगता है नॉर्म की कंडीशन ऐसी है। डॉक्टर्स बता रहे हैं हम सर्जरी करेंगे, लेकिन पता नहीं है यहाँ से आपका पापा, मेरे फादर वो जाएंगे, वो पता नहीं वहाँ से आएंगे कि नहीं। ऐसी कंडीशन है अभी उनकी, ये इनकी वजह से हो रहा है। मेरे पापा जब यहाँ पे सर्जरी के लिए आए वो बिल्कुल ठीक थे, तब वो चल के आए, बस खाली हार्ट का इशू था उनको और कुछ नहीं था। फिर जब यहाँ पे इन्होंने सर्जरी करी उनको मल्टीपल इशू आ रहे, जबकि अगर कोई भी आप समझिए कि सर्जरी के लिए जाएगा, जब डॉक्टर्स ऐसे ही करेंगे तो उनको मल्टीपल ऑर्गन्स की डैमेज होगी या बाकी कुछ होगा, तो मेरे हिसाब से तो कोई सर्जरी करेगा नहीं। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, हाँ अल्लाह, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मगर अगर डॉक्टर किसी को बताएगा मैं आपका हार्ट की सर्जरी करूंगी आपकी आँख की रोशनी चले जाएगी, मगर ये कोई नहीं मानेगा। हमारी डिमांड से ये कहा कि अब हमारी बिल जो है हम बिल पे करेंगे, लेकिन जैसा हमने पैसे पेशेंट यहाँ पे लाया ना हमें वैसा पेशेंट चाहिए, हमें हम जिस तरह हम नहीं कर सकते, जिस तरह हमने पेशेंट यहाँ, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम नहीं कर सकते। हमने ऑलरेडी 7 लाख रुपए 6,80,000 रुपए इनको दे दिए, बिल इनका 4.5 लाख तक था, हमारे पास नहीं है, हमें पेशेंट ठीक करके दे दे बस, अगर इनको हॉस्पिटल की इमेज बचानी है, वरना ये यहाँ से वाइंड अप करें, इनको लखनपुर के बाहर हम भेज देंगे। तो नाज़रीन ये यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हमारे साथ, पेशेंट्स के साथ है ये अटेंडेंट है हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि फिर से हम पारस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर है, और इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ पर एक पेशेंट को लाया था, और चार्जेस इतने हैं कि इनका कहना है कि जैसे 5-स्टार होटल है, एक मिडिल क्लास आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। इनके मुताबिक 6 लाख रुपये, तो 6,80,000 रुपये इन्होंने ऑलरेडी पे किया है, लेकिन अब इनसे और पैसों की डिमांड की जाती है, इनसे 15 लाख रुपए मांगे जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हम इस आपके पेशेंट का इलाज कराएंगे। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है, और इनकी जो है आम लोगों से भी गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल के जो इंचार्जेस हैं उनसे भी गुजारिश, उनसे भी इनकी गुजारिश है कि इनकी तरफ ख़ास तौर पर नज़रसानी की जाए। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि इनके पेशेंट जो है वो सही सलामत बच सकें।